दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आप भी सुबह उठते ही लेते हैं दूध वाली चाय तो जान लें इसके नुकसान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कईयों की तो नींद ही चाय की प्याली खत्म करने के साथ खुलती है। ये भारतीय समाज का एक अभिन्नंग बन चुकी है जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऑफिस में दिन भर चाय लेते रहते हैं, यहाँ तक कि उपवास में भी चाय लेते रहते हैं। चाय के सेवन करने से शरीर में मौजूद विटामिन बहुत जल्द खत्म होते हैं। इसके सेवन से स्मरण शक्ति में भी बहुत दुर्बलता आती है। आइए जानें दूध वाली चाय पीने के नुकसान। चाय से भूख मर जाती है, दिमाग सूखने लगता है और नींद भी बहुत कम हो जाती है। चाय पीने से कैंसर तक होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। जो लोग चाय बहुत पीते हैं उनकी आंतें बहुत जल्द खराब हो जाती है और कब्ज गर कर जाती है। चाय पीने से खून गंदा हो जाता है और चेहरे पर लाल फुंसियां भी निकल आती है। चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं जो कि शरीर में ऊर्जा भर देते हैं, लेकिन ये खून को दूषित करने के साथ शरीर को बहुत कमजोर भी करता है। दूध से बनी चाय का सेवन पाचन क्रिया पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और यदि आप इसके साथ कुछ नमकीन खा रहे हैं तो उससे बुरा और कुछ भी नहीं है। इससे त्वचा रोग भी होता है। चाय के हर कप के साथ एक या अधिक चम्मच शक्कर ली जाती है जो बहुत ज्यादा वजन बढ़ाती है। रेलवे स्टेशनों या टी स्टॉलों पर बिकने वाली चाय का सेवन यदि ना करें तो यह बेहतर होगा, क्योंकि ये बर्तन को साफ किए बिना कई बार इसी में चाय बनाते रहते हैं, जिस कारण कई बार चाय बहुत ज्यादा विषैली हो जाती है। भूलकर भी ज्यादा देर तक थर्मस में रखी चाय का सेवन कभी ना करें। चाय पत्ती को कम उबाले तथा एक बार चाय बन जाने पर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती को जरूर फेंक दें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया, अगर आप भी सुबह उठते ही दूध वाली चाय पीते हैं तो जान ले इसके नुकसान।